सुप्रभात कक्षा चार, कैसे हैं प्यारे बच्चों। आशा करती हूँ सभी बच्चे स्वस्थ हैं, घर पर हैं और अपने स्वास्थ्य का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे हिंदी का पार्ट पाँच। हमारे पार्ट का नाम है नींद का करिश्मा। क्या है हमारे पार्ट का नाम बच्चों? नींद का करिश्मा। तो सभी बच्चे पेज नंबर 28 निकालेंगे और अपनी किताब में ध्यान देंगे। प्रस्तुत पाठ में सूरज और चंद्रमा के आसमान में पहुंचने के रहस्य को अद्भुत तरीके से वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया है? कि सूरज और चंद्रमा आसमान में कैसे पहुंचे, इस बात का वर्णन किया है। और दिन रात बनने के कारण को भी बताया गया है कि दिन और रात कैसे बने, इस बात के कारण को भी बताया गया है। राहुल दशहरे की छुट्टियों में अपनी मौसी के घर गया। नमस्ते मौसी जी, कहते हुए राहुल ने मौसी के चरण स्पर्श किए। कि राहुल दशहरे की छुट्टियों में कहाँ जाता है? अपनी मौसी के घर पे गया और वहाँ पे जाके उसने मौसी को क्या बोला? नमस्ते मौसी जी, और फिर उनके चरण स्पर्श किए। प्यारे बच्चों देखो कितनी अच्छी बात है कि जब हम अपने बड़ों के चरण स्पर्श करते हैं तो उनका आदर सत्कार करते हैं तो उनसे हमें क्या मिलता है? आशीर्वाद ही मिलता है। तो हमें भी अपने बड़ों के चरण स्पर्श करने चाहिए जब हम अपनी नानी या दादी के यहाँ पे जाते हैं। तो कई बच्चे रहते हैं ना कि दूर रहते हैं, अपनी नानी से दूर रहते हैं या दादी से दूर रहते हैं या फिर छुट्टियों में जाते हैं, तो वहाँ पे भी जाके जितने भी अपने बड़े होते हैं उनके चरण स्पर्श जरूर करने चाहिए। चरण स्पर्श करने से हमें क्या मिलता है? आशीर्वाद मिलता है। ठीक है, तो राहुल ने भी अपनी मौसी के चरण स्पर्श किए। जीते रहो, मौसी ने राहुल को प्यार करते हुए आशीर्वाद दिया। मौसी जी किस चीज़ की सुगंध आ रही है? अब राहुल को किसी चीज़ की सुगंध आई कि मौसी ने कुछ बनाया है, तो राहुल तुरंत पूछता है कि मौसी किस चीज़ की सुगंध आ रही है? बेटा मैं तुम्हारे लिए गाजर का हलवा बना रही हूँ। मौसी ने क्या जवाब दिया? बेटा मैं तुम्हारे लिए गाजर का हलवा बना रही हूँ। मौसी ने क्या उत्तर दिया? कि बेटा मैं तुम्हारे लिए गाजर का हलवा बना रही हूँ। अरे वाह, गाजर का हलवा, मैं तो खूब सारा खाऊँगा, राहुल ने चहकते हुए कहा। चहकते हुए कहा मतलब खुश होकर कहा, क्योंकि राहुल को पसंद था गाजर का हलवा। इसलिए जब उससे सुना कि मौसी ने गाजर का हलवा बनाया तो वो क्या कहता है कि अरे वाह, गाजर का हलवा, वो तो मैं ज़रूर खाऊँगा और बहुत सारा खाऊँगा। राहुल ने हाथ मुँह धोए और बड़े मज़े से गाजर का हलवा खाया। धीरे धीरे रात हो गई, परंतु राहुल की आंखों में नींद न थी। वह बोला, मौसी जी कोई कहानी सुनाइए ना। अब रात हो गई, बिस्तर में सोने के लिए चले गए सब, लेकिन राहुल को नींद नहीं आ रही थी। तो वो अपनी मौसी से कहता है कि मौसी कोई कहानी सुनाइए ना। कौन सी कहानी? कछुए और खरगोश की या राजा रानी की? ऐसी कहानी सुनाइए जो कभी किसी ने न सुनी हो न सुनाई हो। तो राहुल क्या कहता है कि नहीं, मुझे राजा रानी या खरगोश और कछुए वाली कहानी नहीं सुननी। ऐसी कोई कहानी सुनाइए कि जो न किसी ने कभी सुनाई हो न किसी ने कभी सुनी हो। ऐसी कहानी? मौसी ने सोचते हुए खिड़की की ओर देखा। पूर्णमासी का गोलाकार चांद आकाश में अपनी दूधिया रोशनी फैला रहा था। बच्चों आपने पूर्णमासी का चांद अगर देखा हो आकाश में तो बहुत सुंदर लगता है, उसकी चांदनी हर तरफ बिखरी हुई होती है। तो ये ऐसा मतलब वातावरण कितना अच्छा लगता है। तो मौसी ने जब खिड़की के बाहर देखा तो पूर्णमासी का चांद जो था वो गोलाकार चांद आकाश में अपनी दूधिया चांदनी, दूधिया मतलब दूध जैसे रंग वाली चांदनी फैला रहा था। ठीक है, तो सुनो, मौसी ने कहानी शुरू की। एक थी आकाश नगरी, वहाँ एक आदमी रहता था, उसका नाम था दिन, उसकी पत्नी का नाम रात्रि था, उनके दो बच्चे थे सूर्य और चंद्रमा। वे उन्हें प्यार से सूरज और चंदा कहकर बुलाते थे। पूरा परिवार खुशी खुशी रहता था। एक दिन की बात है, सूरज और चंदा खेलने निकले तभी अचानक सरसराहट हुई। सूरज चौंक गया, बोला, चंदा तुमने कोई आवाज़ सुनी? तो अब सूरज और चंदा खेलने गए और तभी सरसराहट की आवाज़ उनके कानों में आई। हाँ, किसी के रेंगने की आवाज़ लगती है, चंदा ने जवाब दिया। दोनों के चेहरे सफ़ेद पड़ गए। उनके समीप ही एक बड़ा सा अजगर मुंह खोले बैठा था। दोनों संभल पाते कि अजगर ने दोनों को निगल लिया। दोनों के चेहरे सफ़ेद पड़ गए, मतलब दोनों डर से कांपने लगे, बहुत ज़्यादा डर गए। उन्होंने सामने क्या देखा कि एक बड़ा सा अजगर मुंह खोले बैठा था और उन्होंने
झटपट से दोनों को निगल लिया, सूर्य और चंद्रमा को निगल लिया, सूरज और चंद्रमा को निगल लिया। घर में दिन और रात्रि बहुत चिंतित थे, उनके बच्चे घर नहीं पहुंचे थे। वे दोनों बच्चों की तलाश में निकले। वे बच्चों को ढूंढते ढूंढते थक गए। थककर वे एक पेड़ के नीचे बैठ गए। पेड़ पर एक मोर बैठा था। उसने बताया कि एक अजगर दोनों बच्चों को निगल गया। तो अब बच्चे घर पे टाइम पे नहीं आए, तो दिन और रात्रि को चिंता हुई, बहुत चिंतित हुए दोनों, और बच्चों की तलाश में निकल गए। और ढूंढते ढूंढते दोनों थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। और वहाँ पे उसी पेड़ के ऊपर एक मोर बैठा हुआ था, जिसने बताया कि अजगर दोनों बच्चों को निगल गया। रात्रि और दिन ने अपने बच्चों को वापस लाने की ठान ली। रात्रि अपनी सहेली निद्रा के पास गई। उसने निद्रा को सारी बात बताई। निद्रा ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं अजगर के छक्के छुड़ा दूंगी। मैं अजगर की आंखों में घुस जाऊंगी। जब वह जम्हाई लेने के लिए मुंह खोले, तब तुम अपने बच्चे निकाल लेना। तो अब रात्रि अपनी ये समस्या लेके कि बच्चों को अजगर ने निगल लिया है, किसके पास गई? अपनी सहेली निद्रा के पास। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास एक अच्छे मित्र का होना बहुत ज़रूरी है। जो ऐसा मित्र होना चाहिए जो हमारी मुसीबत में हमारी सहायता करे। और सच्चा मित्र वही होता है जो मुसीबत में हमारा साथ दे। तो यहाँ पे रात्रि भी अपनी सहेली निद्रा के पास गई, और निद्रा ने भी रात्रि की मदद करने के लिए कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूँगी। तो रात्रि निद्रा ने क्या कहा रात्रि से कि मैं अजगर पे धीरे धीरे अपना प्रभाव जमाऊंगी। जब उसे नींद आने लग जाएगी और वो जब जम्हाई लेगा, तो तुम अपने बच्चों को बाहर निकाल लेना। निद्रा धीरे धीरे अजगर पर अपना प्रभाव जमाने लगी। अजगर ने जोर से जम्हाई ली। झट से रात्रि और दिन ने अपने दोनों बच्चे निकाल लिए। अजगर ने बच्चों को बाहर देखा तो वह उन्हें पकड़ने के लिए लपका। बच्चे भागकर उस ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए जहां मोर बैठा था। जब रात्रि ने अपने बच्चों को बाहर निकाला, तो अजगर फिर से बच्चों को पकड़ने के लिए उनके पीछे भागा। लेकिन बच्चे कहां बैठ गए? बच्चे उसी पेड़ पे जाके बैठ गए जहां पे मोर बैठा था, और अजगर जो था वो मोर से डरता था। फिर बच्चों ने ऊंची उड़ान भरी, मतलब कि ऊंचाई पर, मतलब बहुत ऊंचे उड़ने लग गए, और फिर उड़ते उड़ते कहाँ पहुँच गए? आसमान में पहुँच गए, आकाश में पहुँच गए। अपने बच्चों को सही सलामत देख रात्रि और दिन की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। तभी से सूर्य और चंद्रमा आसमान में रहते हैं। तो अपने बच्चों को सही सलामत देखकर रात्रि और दिन और रात्रि का की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, दोनों बहुत खुश रहे। प्यारे बच्चों, हमारे जो माता पिता होते हैं ना, वो जो भी करते हैं अपने बच्चों के लिए करते हैं, और वो हमेशा अपने बच्चों को सही सलामत देखना चाहते हैं। तो जब तक उनके बच्चे प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं, माता पिता भी बहुत खुश रहते हैं, बहुत प्रसन्न रहते हैं। जैसे ही उनके बच्चों पे कोई मुसीबत आती है ना, तो माता पिता पूरी जान लगा देते हैं बच्चों को उस मुसीबत से बाहर निकालने के लिए। तो यहाँ पे दिन और रात्रि ने भी पूरा दम लगा दिया, पूरी कोशिश की अपने बच्चों को बचाने के लिए, और फिर आखिरकार उन्होंने सूरज और चंदा को बचा लिया, मौत के मुंह से निकाल लाए। इस घटना के बाद दिन सूर्य की रक्षा करता है और रात्रि चंद्रमा की। अब वे प्रसन्नता पूर्वक अपने घर में रहते हैं। निद्रा भी अपनी सखी रात्रि के साथ ही रहती है। तो इस घटना के बाद दिन जो है वो सूर्य की रक्षा करता है, और रात्रि जो है वो चंद्रमा की रक्षा करती है। और रात्रि और निद्रा दोनों सखियां हैं, ये दोनों एक साथ ही रहती है। निद्रा भी हमेशा अपनी सखी रात्रि के साथ ही रहती है। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा पाठ यहीं पे समाप्त होता है। सभी बच्चे फिर से इस पाठ को पढ़ेंगे घर पे, और अपना गृह कार्य समय पे करेंगे।